इस टास्क में हम इस कार को एनोटेशन करेंगे इस कार का। प्लस माइनस जूम इन जूम आउट और ये पॉलीगन प्लस माइनस एंटीने से शुरुआत करते हैं। एंटीने का पॉइंट वन पॉइंट टू पॉइंट थ्री पॉइंट फोर पॉइंट फाइव सिक्स एंटीने की शेप आ गई। अब इसका ऐसे कर रूफ हो गई कंप्लीट फ्रंट साइड। साइड अप डाउन और राइट लेफ्ट से इसको स्क्रीन को मूव कर सकते हैं जूम इन में ही। ये मिरर का हो गया हमारी विंडशील्ड। इस सिनेरियो में सिर्फ हमें कार कार करके दिखानी है और जब हमारा टास्क होगा उसमें हमें ये सारे करने होते हैं। ह्यूमंस जितने भी पेडेस्ट्रियन होंगे वे ह्यूमंस के उसमें आएंगे, लेवल में आएंगे। अदर रोड ऑब्स्टेकल जैसे ट्रैफिक वगैरह के जो कॉन्स खड़े रहते हैं या बैरियर्स होते हैं उनको अदर रोड ऑब्स्टिकल्स में आएगा। व्हीकल्स में व्हीकल्स आएंगे, एनिमल्स होल्स अगर कोई छेद भी दो रस्ते में रोड में तो वो होल्स में काउंट होगा। और अगर जो आपको लगता है ये आपको समझ नहीं आ रहा क्या है क्या उसको इग्नोर में डाल सकते हैं। कंस्ट्रक्शन साइंस तो कोई यहाँ काम हो रहा है ऐसा कुछ। इन कंस्ट्रक्शन रोड इज वर्किंग ऐसे कुछ साइन हो। कॉन्स भी कंस्ट्रक्शन साइन के दूसरे होते हैं। होल्स में इन देर वर्किंग वर्किंग के साइन होते हैं जो वो आप यहाँ कंस्ट्रक्शन साइन मिला आपको ये करके दिखा देता हूँ। ये ग्रिल है इसकी आगे की थोड़ा सा बस अंदाजा से लेके आप इसकी ग्रिल कंप्लीट कर सकते हो। ये यहाँ पे नंबर प्लेट है इसकी। ये नंबर प्लेट कई बार जूम इन पे हमें समझ नहीं आता यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट है तो आपको सिर्फ उसका गैस ही करना पड़ेगा कि हाँ ये चीज हो सकती है। आई थिंक बैक करना पड़ेगा हमें और जूम आउट करना पड़ेगा कार का। हाँ नंबर प्लेट है ये ऐसा लग रहा था रोड ही है तो रोड और उसमें मिक्स हो रहा था थोड़ा। दोबारा जूम आउट करेंगे ये नंबर प्लेट बढ़ानी पड़ेगी थोड़ा सा सही करके बना देते हैं सीधी लाइन खींच के थोड़ी सी ऐसे करके। हाँ
गार्ड हो गया इसका, बम्पर का नीचे का हिस्सा हो गया, थोड़ा मोटा ब्लैक इसको दिखाते हैं। ये हो गया, ये नीचे करते हैं, ये शैडो नहीं करना इसकी, ये इसका मडफ्लैप आगे का मड गार्ड है, फेंडर लाइनिंग के साथ लगा रहता है जो वो भाई। ये तो कार को थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस करके जरूरत नहीं है, आपको पता है, जरूरी नहीं है कि पता है, थोड़ा सा जानकारी हो जाती है करते करते सीख कि हाँ ये पार्ट है गाड़ी का, ये पार्ट नहीं है गाड़ी का। टायर को एक शेडो के साथ अंदाजन करना पड़ेगा, इसकी गोलाई देख के थोड़ी सी अंदाजन। ऐसे करो, मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और आपको कंप्लीट करके ये दिखाता हूँ। फिर ये पूरा हो गया है, ये पॉलीगन लीजिए, या कहीं बाकी बारे में जूम इन करके देख लीजिए, कहीं फर्नीचर पर नहीं है, इस पर एडजस्ट कर दीजिए। एडजस्ट करने के लिए पॉइंट पकड़िए, उसका नीचे कर दिया, पॉइंट पकड़िए, उसका नीचे कर दिया, ऐसे जहाँ आपको जरूरत एडजस्ट करना है, जो भी एडजस्ट करना है उसको पॉइंट पकड़िए, उसको बाहर थोड़ा सा एज से मिला दिया, और ये देखो ये कर दिया जो पहले दिखाया गया था सिनेरियो में। गाड़ी चल रही है, पूरी दिख रही है, विजिबिलिटी कितनी है गाड़ी पिक्चर की, पूरी है, सारे एस या नो रिफ्लेक्शन है क्या, नहीं है नो। ये इसको सबमिट करके देखते हैं कितनी एक्यूरेसी है हमारी। सबमिट, आगे कोई वैसे टास्क आएगा मेरे पास, अभी एनोटेशन के कोई टास्क नहीं आ रहे हैं, अभी फ्लेमिंगो के थे तो मैं उसमें आपको सारे टूल्स के बारे में बताऊंगा, सारे ये लेबल्स करके दिखाऊंगा। ये देखो हमारी कंग्रेचुलेशन, सक्सेसफुली कंप्लीट व्हीकल हो गया आपका। ये जो हमारा रिस्पॉन्स ऐसा है, आंसर की ऐसे आंसर की में तो हर बारी थोड़ा सा एक्यूरेटी पाएगा हमारा, थोड़ा सा इनएक्यूरेटी पाएगा 5-10% हर बारी, क्योंकि कंप्यूटर का फर्क हो जाता है, क्योंकि ये एक ही इमेज कई बारी कई बंदों से चेक कराई जाती है जब इसको फाइनली कस्टमर के पास भेजते हैं। अब कंटिन्यू कोर्स कर देंगे, जो हमारा ट्रेनिंग चल रही थी वापस यहाँ गई, ये कंटिन्यू।